नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। चेहरा दिखा, क्या बोला मैं? चेहरा दिखा ना, क्या बोला? चेहरा दिखा। अरे तू तो वही है ना जो दो साल की सजा काट कर आए? चले तेरे को कोई मिलने आया? अपना ख्याल रखना।
tell me why, now tell me why. Come on, now tell me why. Tell me why. Tell me why, now tell me why. Come on, now tell me why. Tell me why. Ek round mein duniya ghoom lo, now tell me why. Ek round mein duniya ghoom lo, ulti aankh se sabko dekh lo. Main gachab mein bhi reason doon, phir sunne mein confusion kyun. Life mein hote hain ups and down, 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 down. Raste apne daanton se tire kyun mere ghaste hain, nikalte hain different, different sounds, 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 sounds. Sound. ऐसी डील करूं, सिस्टम को बदलूं, डे नाइट में तब्दील करूं. टेल मी व्हाई. अरे मौका मिल जाए तो गॉड से ऐसी डील करूं, सिस्टम को बदलूं, डे नाइट में तब्दील करूं. फिर मैं आगे पीछे दुनिया, आसमान से बरसे खुशियां, आगे पीछे पीछे आगे वक्त चले मेरे इशारों पर. टेक इट इजी, ओ आई एम सो बिजी. पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया. दोनों जहां मेरी बाहों में आ, अभी जा. कह दूं तुम्हें मैं या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है. तू बोले तो जानू, तू रूठे तो मानू, चलो ये भी वादा है. आ देखे जरा किस में कितना है दम, चमके रखना कदम मेरे साथिया. आजा, बाय बाय.
है डार्लिंग, क्या हुआ? ए भाई, कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? क्या तमाशा ये? आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रही है? अरे तुम्हें इस बिल्डिंग में घुसने किसने दिया? हेलो अंकल, यू टेल मी, आपको इस घर में किसने घुसने दिया? अरे ये मुझे अंकल बोला, बदतमीज। ये घर मेरे भाई। चलो अंदर, बंद करो दरवाजा। रोहन चावला का नहीं है? कहाँ गए यार भैया भाभी? लस्सी करके रखती बंद ने और पसूड़ी। और जेब में पैसे नहीं थे तो इतना लंबा ऑर्डर क्यों दिया है? बहुत जोर की भूख लगी थी अंकल। सौ रब दी काके, अब तुझे मार भी ना बड़ी जोर से लगेगी ठा करके। अरे मैंने अपने भाई का नंबर दिया, बस ट्राई करो, वो आके आपके पैसे दे देगा अंकल। और मैंने यहाँ कॉल सेंटर खोल रखा है और तेरी मासी बोल रही है फोन टेम्परेरली डिसकनेक्टेड। फोन लगाओ कंधा। अंकल आई स्वेयर, मुझे बिल्कुल इसका कोई भी आइडिया नहीं था अंकल। टंगड़ी कबाब मस्त थे, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलूंगा कि यहाँ पे आए और आपका, मेरा मतलब है आपकी मुर्गी का टंगड़ी कबाब खाए अंकल। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करूंगा मैं आपकी जगह। तेरी टांग काट के ना मैं लटका दूंगा तंदूर पे बिना मसाला लगाए। हाँ कपड़े उतारो इसके, चीर के नंगा कर। एक मिनट आ देगा ना अभी पैसे। सिद्धे हो जाने, चंगे चंगे बंदे नंगा करो ते। अंकल नंगा पुंगा थोड़ा और लगे ना। हाँ वो तो है। एक काम करिए, हाँ आप ये शूज रख लो। ओए बहुत कॉस्टली अंकल, आप इसे पहन के वॉक पे जाओ आपका कुछ वेट भी कम होगा। अरे ले लो अंकल, चार साल से पहले क्वालिटी देख रहे हो। पैर टूट जाएंगे लेकिन जूते नहीं टूटेंगे। हाँ अंकल लो ना। अरे करो ए साहब, मैं पुलिस को लेके आ गया। हाँ तो मुहूर्त क्या देख रहे हो, आके पकड़ो। ओए बंदा पकड़ रहे हो के मुर्गी पकड़ रहे हो? तेजी पकड़ो इसकी। हर साल जाओ यार, थोड़ा यार पकड़ तेरी। ओके साथ में। ओए बंदा क्या किया है, डाला है उसको तंदूर में और मेरा था जेल में। पाँव वाला ना बंद कर। अच्छा भावाला घेऊन आलो साहेब। हे ब्रो, देखा मैंने कहा था ना मेरा भाई आएगा। ब्रो ब्रो, न्यू हेयर स्टाइल है? सॉरी ब्रो, सूट नहीं कर रहा यहाँ पे। भाभी ले गई होंगी ब्यूटी पार्लर में। हा? सही बोला ना। तेरे भाई का रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है, 2 साल की सजा काट के आज ही जेल से निकला और सीधा यहाँ पुलिस थाने में। लगता है इसको बाहर की आवाज रास नहीं आती है क्या? क्या कर रहे हो ये? 2 साल में आप लोग मुझे मिलने भी नहीं आए, कितना मिस किया मैंने। आप लोगों ने नहीं किया ना? ऐसा नहीं है भाई। अच्छा इसलिए घर भेज दिया, टेलीफोन नंबर भी बदल दिया और मुझे बताया नहीं? लेकिन मुझे मालूम था आप आएंगे ब्रो। लव यू। माँ कैसी है ब्रो? माँ मस्त घर बनाया है ब्रो ने। वू वेरी नाइस। इतना बड़ा टीवी, लेटेस्ट साउंड सिस्टम ऑल्सो। देखा मां, मैंने कहा था ना ये कभी नहीं सुधरेगा। साहिल, हाँ गेस कर कौन है? अरे अबे बोलो यार। हाँ, मैं वापस आ गया। अच्छा सुन, विकास का फोन नहीं लग रहा यार। हाँ यार कितने दिन हो गए ना मिलके? मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम लोग मिलते हैं ना। माँ माँ फ्रेंड से बात कर रहा था, फोन दो ना माँ। तेरा कोई दोस्त तुझसे जेल में मिलने आया? नहीं ना, मैं भी नहीं आई, तेरा भाई भी नहीं आया,
जानता है क्यों? क्योंकि सब तेरे बिना ही होश है। तू होता है तो प्रॉब्लम होती है। ये बात तुझे बताना नहीं चाह रही थी, फिर भी बता दिया। मैं रोहन से नाराज थी क्योंकि वो कहता था कि हमें तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए चाहकर भी तुझसे मिलने नहीं आ पाई। मेरा दिल कहता था कि जेल से आने के बाद तू सुधर जाएगा, लेकिन तूने साबित कर दिया कि रोहन सही था और मैं गलत। अभय, तूने एक आदमी को जान से मार डाला और तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माँ, वो तो एक एक्सीडेंट था ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा था उन्हें। पर तू जो करता फिरता है ना, उससे लोगों का सिर्फ नुकसान ही होता है। कोई तुझे पसंद नहीं करता, कोई तेरे आसपास रहना ही नहीं चाहता। अरे मैं तो माँ हूं ना, पर जब तू मेरे करीब होता है ना, तो मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं तू कब क्या कर बैठे। अब है तेरी एक गलती से उस आदमी के परिवार पे क्या गुजर रही होगी, सोचा है तूने कभी? हाँ, ओ भाई साहब, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, रुपेश कुमार जी कहाँ रहते? वहाँ ऊपर 801 में। ओके, थैंक यू। पहचाना नहीं मुझे? नहीं पहचाना। 2 साल पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में मिले थे, मेरी बाइक से आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सॉरी बोलने आए हो? नहीं चाहिए। क्या फ्रूट या सॉरी? दोनों नहीं चाहिए। अरे सुनिए, देखिए मेरी बात, इधर मेरी बात सुनिए, बाहर निकलो। सुनिए, देखिए हाथ मत लगाइए। अरे धक्का क्यों देने? हमारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अरे सॉरी बोलने आए हो। ये मेरी भी कमाल है, बिना ताला लगाए चली गई। मैंने तुम्हें कहा था मेरी को निकाल दो काम से। अरे क्या निकाल दो, और यहाँ का सारा काम कौन करेगा? तुम पागल कहीं के? सॉरी बोलने आया था। इन लोगों से सॉरी बोलने आया था? मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सॉरी बोलने आया था। ये ओ साला, 6 महीना खोदते हो, 6 महीना बनाते हो, हाँ, फिर ट्रैफिक जैम, पब्लिक परेशान, बोर्ड लगाते हो, वर्क इन प्रोग्रेस काम चालू आहे। तुझा इच्छा खो, यहाँ खोदा है, वहां खोदा है, पूरा शहर खोद दिया है तुम लोगों ने। हाँ, माँ खराब करके रख दिया है। यहाँ कहाँ जा रहा हूँ?
तितलियों के पर, बदलियों के पर, पंछियों के पर। तितलियों के पर, बदलियों के पर, पंछियों के पर पर। कहों के पर, चेचों के पर, उंगलियों के पर पर। तितलियों के पर, बदलियों के पर, पंछियों के पर पर। कहों के पर, चेचों के पर, उंगलियों के पर पर। रातों में उड़ो जुगनू बन के, और सुबह खेलो खुशबू बन के। खुली 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 इन फिजाओं में, उड़ो 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 इन दिशाओं में। पैर मत हिला और ढंग से बैठ। पैर हिलाने से लक्ष्मी चली जाती है, बता तुझे। और कभी सोचा है हा? कल को तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी फैमिली होगी। फैमिली? कैसी बात कर रहे ब्रो? आप हैं, माँ हैं, भाभी हैं, पूरी फैमिली तो है। अबे बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अभी तुम बच्चे नहीं रहे, समझे? और ये घर है, धर्मशाला नहीं। तुझे जिंदगी भर नहीं झेल सकता मैं। इस घर में रहना है, ढंग से रहो, समझे? माई से कह दो, ये टेंशन जिंदगी भर नहीं पाल सकता मैं। इस घर में जरा भी फालतूगिरी की लात मार के इसे घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। पर बेटा, तुम इसे अपने गैराज में क्यों नहीं रख लेते? मेरे गैराज में ये काम नहीं करेगा माँ, ये सबको टेंशन देगा। अगर तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा तो शायद ये कोई काम सीख ले। ये कुछ नहीं सीखेगा माँ, ये सबको डिस्टर्ब करते घूमेगा वहाँ। बेटा कुछ करना। तुम समझते क्यों नहीं हो ये? बेटा कुछ मैं क्या करूँ इसका, तू बता मुझे। ठीक है, कल से भेज दो। हटो। सॉरी। चले। माँ, माँ इसे कह दो घर में पैर नहीं हिलाए। नीचे रख। कल से भेज देना। माँ, ये भैया भाभी का झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, मूड बहुत खराब था। कौन है? कौन है?
अब बोल विशाल। अबे कहाँ है तू? काम कर रहा हूँ यार। अबे देखिए कौन बदतमीजी कर रहा है। हाँ तू काम करना, मैं देख के आता हूँ। नाको बटोला लागला हे बिलांची नागी निकाली नाको बटोला लागला। हेलो, कौन रे? वो फ्लावर्स डिलीवर करने आया था। काय को रे? उन्हीं नंबर आज सोए की है ना? यस रे। हाँ तो जो यहाँ पे रहता है। कौन रहता रे? वो सोनल रे। हाँ। सोनल का फूल देने कौन आएगा? एड्रेस यस रे। एड्रेस एकदम बराबर है। थाम रे। सोनल पूछती किसने फूल भेजा? विशाल, विशाल सक्सेना ने। अत्ता काय रे? कसली रे? अरे मैं यहाँ खुद काम करती हूँ, तेरे को क्या टिप दूंगी? चल भाग। सॉरी, माय बैड, आई एम सॉरी। बाका पाव खुद सो। अरे हिल हिल पर हिला ना 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 ना। अरे हिल हिल पर हिला ना 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 ना। बैठी हो? फ्लावर्स कैसे लगे? मैंने भेजे थे। और मेरा नाम कोई विशाल सक्सेना नहीं, अभय अभय। बाहर से लॉक करके तुम्हें अंदर छोड़ देते हैं, बोर होती होगी ना? क्या कमाल का आइडिया दिया तुमने मुझे उस दिन, वो मिरर वाली गेम का। अभी अभी खेल के आ रहा हूँ मैं अपने दोस्त के साथ। एक नंबर की शैतान हो तुम बिल्कुल मेरी तरह। हमारी दोस्ती हो सकती है। ओहो, फोन भी है। वेरी गुड। हाँ, मैंने अपना नंबर यहाँ पे लिख दिया है, तुम जब भी बोलो मुझे फोन कर देना बस। अरे ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? मैं उस दिन आया था तुम्हारे भैया से सॉरी बोलने। एक नंबर का खड़ूस यार तेरा भाई, सॉरी बोलने आया था, धक्के मार के भगा दिया। अब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना मारा तुम्हारे पिताजी को। वो तो एक एक्सीडेंट था ना। काम छोड़ के कहां गया था तू? सॉरी बोला ना? तेरा सॉरी सुन सुन के थक चुका हूं मैं। बस अब तू मुझे नहीं चाहिए, ना इस घर में ना गराज में। मैं क्यों इसके पीछे पड़ी हो तुम? इसे कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ हमें परेशान करना है बस। भैया मैं काम करूंगा, प्रॉमिस। माँ भैया आगे से अगर मैं कोई भी गलती करूं तो आप बचपन में मुझे जैसे मारते थे बिल्कुल वैसे मारिएगा। भैया आई एम वेरी सॉरी, प्लीज भैया आई एम सॉरी सॉरी। लास्ट चांस दे रहा हूं मैं। हंसो मत, अब सुधर जा, वरना मैं बिगड़ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू।
वो देख रही है। देखने दो। मेरी ये कौन है? वो ताला 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 जाम हो गया था इसलिए। अच्छा ठीक है, सोनल तैयार है? हाँ, उसको खाना खिला के तैयार कर दिया ना। चलो ठीक है, उसे गाड़ी में बिठाओ, हम आज उसे घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ, चल हाँ। सोनल सोनल 16 नंबर का पाना दे। क्या कर रहा है, ठीक से देना। कपड़े क्यों नहीं चेंज किए तूने? अब एक बात ध्यान से सुन ले, साहब ने तेरे को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरे साथ काम कर। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो साहब को बोल दूंगा। चल कपड़े चेंज कर। क्या इधर मत देख, दूंगा नहीं। आज मेरा बर्थडे, बर्थडे तेरा है तो तू खिला। अरे केक पेस्ट्री पैटीज ही तो लेने जा रहा था, सोचा था शेयर करके खाएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन तू इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यार। अरे सुन, तू केक पेस्ट्रीज पैटीज सब लेकर आना, तब तक काम मैं मैनेज कर लूंगा यार। अपनी बाइक की कीज देना यार। अरे लेना यार, खाने का सामान लेने तो जा रहा है, ले ले। अच्छा सुन, फर्स्ट गियर ऊपर, बाकी सब नीचे। पता है यार। अच्छा सुन, हाँ। तेरी कोई स्पेशल चॉइस है? पाइनएप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट? चॉकलेट वाला मस्त लगता है यार। मस्त लगता है ना। समझ ले, खा लिया। समझ ले, खा लिया। अबे सुन, जबरदस्ती कुछ झूठ मत बोला। जबरदस्त है। Who is this यार? कौन है? कौन है? अरे अभय है यार। ए यार साहिल, ब्रदर, सारा मजा खराब कर दिया। और कैसा है यार? ए हद हो गई यार विकास, उस दिन कितना वेट कराया। हाँ ए, तूने से बता नहीं कि मैंने फोन किया था। सालो 2 साल तुम लोग मुझे जेल में भी मिलने नहीं आए। जी? पता है मां क्या बोल रही थी? बता दूंगा ना तो बहुत बुरा लग गया। हाँ ए, आज तुम लोग पिलाओ, अगली बार मैं पिलाऊंगा। मेरी भी जॉब लगी, आज पहला दिन था। ए, मैं कहीं तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं ना? हाँ तुझे ही लग रहा है क्या हम लोग तुझे अवॉइड कर रहे हैं? सॉरी, अरे सॉरी बोला ना बाबा, आई एम वेरी सॉरी। ओ तेरी, तेरे खड़ूस भाई बाबी आ गए। बाय।
ये मेरा नया टॉप कैसा है? ट्रस्ट में काम नहीं है, तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। देख तो लो। लगता है वो लोग आ गए। तुम अपने काम में बिजी रहो, आई विल हैंडल देम। यस, गुड आफ्टरनून, हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सर्वे करने आए हैं। ओह हाँ हाँ, आइए आइए, प्लीज कम इन। सॉरी टू बॉदर यू मैम। आई नो, इट्स योर जॉब स्वीटी, इट्स ऑल राइट। आइए आइए, बैठिए प्लीज। ये घर सोनल महाजन के नाम पे है, राइट? जी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। क्या वो इस समय घर में है? ऑफ कोर्स, वो बेचारी कहाँ जाएगी, और वैसे भी हम उसे अपनी नजरों से दूर कभी नहीं रखते। हम लोग उनसे मिल सकते हैं? श्योर, प्लीज कम, आइए, दिस वे, आइए प्लीज, कम, आइए, प्लीज कम, देयर शी इज, सोनल, सोनल देखो तो कौन, आह, सोनल, सोनल को ड्राइंग बहुत पसंद है, देखिए, सोनल बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, पता नहीं क्या-क्या इमेजिन करती रहती थी, ये देखिए, फिश, सोनल तुम्हारे लिए खास चॉकलेट केक बनाया है। अभी खाना है कि खाने के बाद? हाँ? अच्छा अच्छा, खाने के बाद खाना, ऑलराइट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी बहन की इतनी अच्छी केयर करते हैं। अच्छा जी, ओके, बाय। आई एम सो सॉरी कि हम लोग आप जैसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए, मगर क्या करें, कुछ लोग डिसेबल्ड कोटे में गवर्नमेंट से सस्ते दामों में फ्लैट ले लेते हैं, और या तो उसे बेच देते हैं या उसे किराए पर उठा देते हैं। आई नो। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय मैम, गुड बाय, बाय बाय बाय। ओह, इट वेंट ऑफ वेल, थैंकफुली। अच्छा, मैं सोनल को छोड़ के आता हूँ। अरे रुको, वो जल्दी जल्दी में मैंने उसे नए कपड़े पहना दिए हैं, चेंज कर देते, जस्ट वेट, आई विल कम। सोनल, बहुत मोटी हो गई तू, लगता है दिन रात बहुत खाती है। तेरी भाभी नीचे मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ। और सुन, तेरा ख्याल रखने के लिए मेरे को हम लोग 4,500 रुपये महीने का देते हैं। 4,500 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है, चलता हूँ। Disturbing sleep. तुमने मुझे फोन किया ना? मैं आ गया। हाँ, तुम्हारे लिए लाया था। क्या गलती की लाके? अरे सॉरी बोलने के लिए लाया था और तुमने मुझे माफी कर दिया। क्या माफ नहीं किया? तो क्या मारने बुलाया है? तुम्हारा नाम सोनल है ना? पता है सोनल एक प्रिंसेस का नाम था। हाँ सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा, माँ बच्चों ने कहानी सुनाती थी। क्या कहानी सुनी है? हाँ ना, चलो सुनाई देते हैं, एक मिनट ना। हाँ हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ
प्रिंसेस सोनल जब हंसती थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती थी। हाँ सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा, माँ बचपन में कहानी सुनाती थी तो मुझे प्रिंसेस का हंसता हुआ चेहरा नजर आता था, और उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो कहानी से निकल के बाहर आ गई। प्रिंसेस सोनल बहुत खूबसूरत थी, अरे दूसरे देश का प्रिंस तो उसे देख के पागल हो गया। प्रिंस घोड़े पे सवार होकर प्रिंसेस से मिलने आया और उसने उसे प्रपोज कर दिया। प्रिंसेस ने हाँ बोला या ना? अरे वो तो मरे जा रही थी ना कि कब प्रिंस उसे प्रपोज करे। पहले उसने भाव जरूर खाया लेकिन हाँ बोल दिया। अरे फिर क्या, दोनों की डेटिंग शुरू, दोनों अपने पेरेंट्स से छुप छुप के मिलने लगे। अरे एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, प्रिंस है ना प्रिंसेस को एंजल के नाम से बुलाता था। एनीवेज एक दिन दोनों देशों के बीच में फाइट हो गई, मिलना जुलना बंद, डेटिंग क्लोज्ड। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। क्यों क्यों क्यों? अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पस, पस, पस। वो क्या है ना, उन दिनों मोबाइल और इंटरनेट थे ही नहीं तो मिलते कैसे? मोबाइल और इंटरनेट थे ही नहीं, देखा ना कैसे बना दिया। ए, मैं तुम्हें एंजल कह के बुलाऊं क्या? एंजल तुम्हारी बाइक क्या मस्त है ना? आ? चलो यप, अप। अच्छी लगी ना? चले ओके। हो या इबादत हो
पूजा हो या इबादत हो, रिश्ते हो या रस्में हो, धुंध से धुंधले तेरे वो सपने, धुंध से धुंधले तेरे वो सपने, जी करता है सच कर जाऊं, सच कर जाऊं, फिर तेरी वो सुबह बन जाऊं, फिर तेरी वो सुबह बन जाऊं, ओ सुबह बन जाऊं, वो बूंद बन जाऊं। मैं हूँ ज़मीं तू आसमां, तू है शब्द मैं तेरी जुबां, आधी अधूरी जिंदगी में, आधी अधूरी जिंदगी में, मैं तेरा लम्हा बन जाऊं, लम्हा बन जाऊं, फिर तेरे वो सुबह बन जाऊं, फिर तेरे वो सुबह बन जाऊं, ओ सुबह बन जाऊं, वो बूंद बन जाऊं, खुलेगी जब पलके तेरी वो किरण बन जाऊं, वो धूप बन जाऊं, वो धूप बन जाऊं, वो छांव बन जाऊं, वो छांव बन जाऊं, ना 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 जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। कौन रे? ओह शिट, कौन है रे? ए! या कोई लड़का गाना गा रहा था? मैंने सुना कोई लड़का गाना गा रहा था। हाँ, रेडियो क्या? आई शप्पत, आजकल ये रेडियो पे ऐसे भंगार भंगार सिंगर गाना गाते हैं, दिल करता है कान के नीचे एक रख के दूं। ए, ये कपड़े किसने धोए रे? आई 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 आई, तेरा भाई भी ना येड़ा येड़ा, कैसे तेरे को इधर छोड़ दिया रे? अब मैं भी क्या क्या करूं, दिमाग कहीं और रहता है, मैं कहीं और रहती है, कपड़ा धोया और पत्ता इच नहीं चला। उस दिन तेरा भाई कैसा बोमा बोम करके गया मेरे पे पता है? मैंने ताला नहीं लगाया था। अल्ला, मैं तो ताला लगाने आई थी। चल चल चलती हूँ, लेट हो रहा है। ब्रो कॉलिंग, भैया का फोन आ रहा है। ये माका वो मेरी को भी अभी आना था क्या? ओ भैया मेरी बैंड बजा देंगे। हे ही, इट्स नॉट फनी एंजल, भैया मुझे मार डालेंगे। ओ क्या करूं क्या करूं, मैं भाग रहा हूं, I'm going एंजल, बाय बाय।
can dance all right. Hey, hey, hey. Pappu can dance all right. Hey, hey, hey. अभी तक नहीं आया ना वो, हैं? वो और आज के बाद कभी नहीं आएगा वो, और तुम्हें डिस्टर्ब भी कर रहा होगा वो। नहीं सर वो, अरे क्या वो आगे बोलना। ए विशाल, 16 नंबर का पाना देना यार। वो सर। हाय ब्रो, कब आया ये? मैं तो आपके पहले आ गया था ब्रो। तो मैं फोन कर रहा था, तू उठा क्यों नहीं रहा था? वो फ्रेंड्स फोन करके डिस्टर्ब कर रहे थे ना, इसलिए मैंने साइलेंट मोड पे रख दिया था। झूठ बोल रहा है। नहीं कसम से। वैसे आप क्यों लेट हैं? हाँ चल काम कर चल। ए, ये काम बराबर सीख रहा है ना? मेहनत कर रहा है सर, सीख जाएगा। ये कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो मुझे बता देना। हाँ और काम कर चल। यो ब्रो, ध्यान रखना। हाँ। काम से निकलवा देगा यार ये तो। अबे सुधर जा। ड्रामा तो बहुत कर लिया, आप कुछ काम भी सीख ले, काम आएगा जिंदगी में। थैंक यू। दूंगा नहीं, काम तो सिखा के जा। क्या बात बोला, ले दे चॉकलेट नहीं पाना, ले चल काम सिखाता हूं। आ आज गैरेज में बहुत काम किया, मजा भी आया। अरे मुझे तो लगा था टफ है, लेकिन करता गया और होता गया। शिट, मैं अपना मोबाइल भूल गया। क्या डर लग रहा है? किसे? इस शैडो से? एक मिनट, अरे ये तो पेड़ का शैडो, इससे क्या डरना। हा चलो अपनी आंखें बंद करो, बोला ना आंखें बंद करो। ऐसा मंत्र सुनाऊंगा ना कि शैडो ऐसे गायब हो जाएगा। हाँ आंखें बंद रखना, खोलो आंखें, खोलो। चाचा चिंगू चिंग चाओ चाओ, चाउमीन चाची मंचूरियन मौसी हक्का अंकल हा हा हा। ये चाचा चिंगू चिंग चाओ चाओ, चाउमीन चाची मंचूरियन मौसी हक्का अंकल हा हा हा। Cha-cha, chingu, ching-chow, chow, chow mein, cha-chi, manchurian, mossy, haka, uncle, ha-ha-ha. Ha-ha. Dekha, ye Chinese mantra tha. Tum angel ho na, tumhe koi nahi dala sakta.
मैं भी नहीं। एक बात बताओ एंजल, तुम्हें शैडो से नहीं अकेलेपन से डर लगता है? लेकिन मैं हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी डर लगे मुझे मेरे टोल फ्री नंबर पे फोन कर दिया करो। ये देखो हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं, इंग्लिश में जानकारी के लिए दो दबाएं, चाइनीज में जानकारी पाने के लिए तीन दबाएं, हमारे कस्टमर के अधिकारी से बात करने के लिए चार दबाएं, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए शून्य दबाएं। हेलो, मैं डर भगाओ कस्टमर केयर से तुम्हारा दोस्त अभय बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ एंजल जी? ए, 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 ए। शैडो से फिर डर लग रहा है, चाइनीज मंत्र सुनाओ। मुझे तो खुद याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था। हाँ 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 सुना रहा हूँ, एक मिनट। शेजवान सॉस, चिली चिली। अच्छा ये नहीं था। अच्छा एक मिनट। चाचा चिंगू चिंग चाची मंचूरियन मौसी हाका अंकल हा 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 चाचा चिंगू चाचा चाची मंचूरियन मौसी हाका अंकल हा 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 चाचा चिंगू चिंग चाओ चाओ चाउमिन चाची मंचूरियन मौसी हाका अंकल हा 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 रेडी है सर। कितने पैसे हुए? विशाल कितना हुआ? 4,000। 4,000 रुपये। ओके ये लो। थैंक यू सर। ओके ये ले। सुन, हाँ ले। मुझे क्यों दे रहा है? भैया को देना। 2200 रुपये पार्ट्स का चार्ज है, बाकी 1800 रुपये तेरा है। मेरी क्यों? अबे गधे, ये तेरी मेहनत की पहली कमाई है, इसे अपने पास रख। तेरा भाई तो इसमें से तुझे एक चवन्नी भी नहीं देगा। मेरी पहली कमाई है। Thank you.
अरे एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अली रानी का ऑफिस वो सामने यहाँ पे। थैंक यू। तुम 2.5 साल पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को आती थी अपने फादर के साथ, सोनल, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। 5 साल पहले इसे ट्रॉमा हुआ था। डॉक्टर साहब ये ठीक हो सकती है? 100% ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी, बल्कि काफी ठीक हो गई थी। ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट के साथ इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। Come, I will explain you about the area where physiotherapy is given. Yeah. And she was coming here earlier. Let's meet few of the patients. Come. डॉक्टर साहब तो सोनल चल सकती है? बोल भी सकती है, प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत है। ये ज्योति है जी। ज्योति एग्जैक्टली सोनल जैसी है। फिजियोथेरेपी के अलावा ये पेशेंट लोगों को मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और डॉक्टर आपकी फीस? ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ फीस की बात नहीं करते। ओहो, एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया डॉक्टर साहब से। एंजल मैं एक मिनट में आया। हाँ ए हेलो, यही रहना, कहीं घूमने नहीं चली जाना। ओके यू ऑल शुड ऑलवेज कंपेयर द एमआरआई विद द क्लिनिकल। सॉरी एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, वो मैं टाइमिंग्स पूछना भूल गया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। 7 से 7। ओके थैंक यू। यू आर वेलकम। ऑल राइट, वेयर वाज आई? सुबह 7 बजे तो एंजल के घर पे मैरी आती है। दिन में भैया बहुत मारेंगे। एंजल, ये सेक्सी ड्रेस पहनना है तो तुमको सेक्सी बनना पड़ेगा। मत हंसो, कम ऑन स्टार्ट वर्किंग, काम शुरू करो। क्यों फासले हैं दरमिया, जिंदगी लेती है इम्तिहान। चलो मेरा नाम बोलो, बोलो अभय। क्या यार, ट्राई भी नहीं करती हो। तुमने कुछ कहा क्या? तू है तो ये जहां, हाँ मेरे साथ है। तू है तो हर खुशी आस पास है। रूबरू होने पे क्यों अजनबी
चीमा जूनियर मौसी हा का अंकल हा 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 अकेला बन मुझे छू नहीं पाता है पागल ये मन मेरा हर पल हंसाता है अकेलापन मुझे छू नहीं पाता है पागल ये मन मेरा हर पल हंसाता है कोई तो बात है जो तेरा साथ है ये इत्तफाक है क्या कहे रूबरू अबे हाँ ब्रो मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ शाम तक की गाड़ी की डिलीवरी देनी है कस्टमर आ रहा है शाम को डोंट वरी ब्रो शाम तक गाड़ी परफेक्ट ओके एंजल मैं बिजी हूँ मैं बाद में फोन करता हूँ क्या मैं आ जाऊँ बेकार का बहाना मत करो यार काम नहीं करने दोगी क्या प्लीज प्लीज एंजल ठीक है मैं आ रहा हूँ लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए ओके नहीं प्रॉमिस करो पहले प्रॉमिस करो अच्छा आ रहा हूँ विशाल विशाल क्या हुआ वो एक प्रॉब्लम आ गई है यार एंजल के पास जाना है मुझसे नहीं मिलवाएगा खाना ठंडा हो रहा है उसे खाना खिला ले खाओ वेरी गुड कम ऑन ब्रिलियंट हाँ वेरी गुड चलो खाओ एक्सीलेंट देखो आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं तुम्हें खुद खाना पड़ेगा ओके वेरी गुड कम ऑन अरे अरे टेंशन क्यों ले रहा है यार अरे अब है तू समझने की प्लीज मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा ना जल्दी आना ओके बाय सोनल अपना ख्याल रखना
तक इंतजार करना पड़ेगा। और थोड़ी देर सर, प्लीज। 5 बजे बोला था, 7 बजने को आ गए। ऐसा नहीं होता है। और थोड़ी देर, सॉरी। अरे काय का सॉरी, व्हाट सॉरी सर? सर कार, सर वो मैंने आपकी गाड़ी की ट्रायल ले ली है सर, परफेक्ट चल रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए ना सर। बहुत मेहरबानी सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस सर, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज फोन कीजिएगा सर। ठीक है, सॉरी अगेन सर। अबे यहाँ, यहाँ मेरी बात तो सुनिए भैया। चमड़ी उधेड़ दी यार, ये देख। तूने आज का अखबार पढ़ा है? नहीं ना, तो पढ़ ले। तू भी ना, पहले बता देता तो मैं भी एंजॉय कर लेता। भैया बाप रे बाप, एंजल तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों पहना है ये ड्रेस? हाँ मुझे मालूम है कि मैंने कहा था कि 100% ठीक होने के बाद पहना है, लेकिन क्या करूं, भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है, ऐसे थोड़ी ना लेके जाता तुम्हें, वहां पे बहुत लोग आएंगे, एंजल को खूबसूरत लगना है ना। लोगों ने मेरा इंतजार भी नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। ये फैमिली गैदरिंग है, इसके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं की है मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, सीट तुम्हें साथ में लाया हूं ना। भाभी भाभी आप थोड़ा खिसकेंगी प्लीज प्लीज। अंकल आप यहाँ पे आइए ना, मैम आप वहां पे जाइए ना प्लीज। थैंक यू। प्लीज प्लीज अंकल, थोड़ा और खिसकिए ना यहाँ पे, कितनी जगह चाहिए आपको? माँ दाल पास करो ना प्लीज। कौन है ये? ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो इंट्रोड्यूस करना नहीं भूल गया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनल, सोनल ये मेरे भैया हैं, ये मेरी भाभी हैं, और ये मेरी माँ है, और ये है कैलाश मल्होत्रा। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, कैलाश अंकल, कैलाश अंकल। और ये है इनकी वाइफ। यू इडियट, ये मेरी बहन है, बहन। अंकल आपको अपनी वाइफ के साथ बैठना चाहिए ना, देखिए कितनी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, समझे के नहीं समझे? मुझे क्या मालूम, 2 साल से तुम्हें जेल में था ना। भाभी देखिए, आपके रिलेटिव से आप इंट्रोड्यूस कर रही है, वरना मुझसे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। अभय अभय मेरे साथ बाहर चलो। भैया पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, बाद में बात कर लेंगे। बाहर चलो, कहा ना मैंने बाहर। अच्छा मैं 2 मिनट में आया। हाँ Senseless. किसी को भी लेके चला आता है, कौन है वो? वो जिनका मेरे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, वो उनकी बेटी है। जी क्यों, क्या हुआ? तू 2 साल सजा काट चुका है ना उसकी, तो क्यों लेके आया उसे,
है? ये फैमिली गेट टुगेदर है और तू जानता है प्रिया को कैसी है वो, जानता नहीं है तू? बहुत हो गया तुम दोनों भाइयों का भरत मिलाप। अरे सब समझती हूँ मैं, तुम इसे झेलो, मैं नहीं झेल सकती। और हाँ, उसे फौरन यहाँ से लेकर जाओ। समझ गए तुम? उसे लेकर चले जाओ यहाँ से। 2 साल पहले जिस बुड्ढे का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी बेटी को लेके आया है यहाँ पे। कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं। चलो, कोई भैया नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं। प्लीज शुरू कीजिए ना। इंसल्ट करते हैं, कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं है मेरा। सॉरी बोलो, सॉरी, सॉरी बोलो। क्या क्या सॉरी बोल क्या हूं? उन लोगों को, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। सॉरी बोलो। अरे क्यों बोलो सॉरी? तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे लगा। हाँ निकालो अपना गुस्सा मुझ पे, और तो कोई नहीं मिलता है ना। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तो तुम उस फैमिली का भी हिस्सा हो, और अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। An angel, when you hear an angel singing messages of love so true. I love you, angel. It's a sign that love is blooming in the hearts of me and you. Every heart is blessed with tender moments filled with love divine. And you never know when it shall find a way. Oh my God! He's proposing her in the middle of the road! I know! Let's go. Okay. Well, sorry to interrupt you guys. लड़की ने हाँ बोला कि ना बोला? I think सोच रही है, right? He's so cute. Oh man, she loves you too. Come on, give her a hug. इस memorable moment को capture करते हैं। I think that's a nice idea. Can we have a picture, please? Yeah, sure. Ready? Thank you. Well, आप अपना address मुझे दे दीजिए, मैं आपको pictures courier कर दूँगी। Yeah, sure. One sec. सिरहाने चांद की यू पाओ दबे मैं चलू किसी को रहो सिरहाने चांद की यूं पाओ दबे मैं चलूं।
से तो जहां है। ये हकीकत बयां है, इश्क से तो जहां है। मिले 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 इत्तेफाक से, छोटे छोटे ना हाथ हाथ से, फिरू फिरू इतराता मैं फिरू, जब से मुझे तुम एंजल क्या हुआ, सोई नहीं? बर्थडे। बर्थडे? किसका बर्थडे? मेरा। तुम्हारा? आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो तुम्हें क्या चाहिए एंजल? डांस। डांस? बस? अरे क्या 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 हुआ? अच्छा वो कपल वाला डांस, तुम कपल वाला डांस करना चाहती हो मेरे साथ? ओके, एंजल का बर्थडे है, जो एंजल चाहेगी उसको मिलेगा। कामनी तुम समझती नहीं हो, इंस्पेक्शन वालों को ऐसे बताएंगे ना तो वो। अरे ताला नहीं। Yeah.
चेहरे चेहरा दिखा, क्या बोला चेहरा दिखा। लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर आइए। हाँ जी आइए। क्या नहीं किया मैंने उसे सुधारने के लिए। नीच ऐसा घिनौना कर्म करेगा ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस वक्त मेरे पे क्या गुजर रही है आपने सोचा है? मैं समझ सकता हूं आप पे, आपके परिवार पे, आपकी बहन पर क्या गुजर रही होगी। मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे। और इसके आगे जो होगा वो और भी गलत होगा। क्या कोर्ट केस होगा? क्या मिलेगा कोर्ट केस से? मतलब आप ये केस वापस लेंगे? मैं केस वापस लेने की सोच रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? सचमुच भगवान है मैं आपका यह उपकार नहीं, 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 जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं ना सेटलमेंट करने को तैयार हूं, समझ रहे हैं ना आप? मतलब ये जो कुछ भी हुआ है अगर उसके लिए आप 10 लाख कंपनसेशन दे दें तो मैं केस वापस ले लूंगा। तो ये केस वापस लेने के लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूं? हाँ, ऐसे केसेस में वैसे इतना ही मिलता है। समझते क्या है? अच्छा आप कितना देना चाहते हैं? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। अरे चुप! अरे मेरा भाई इस जेल में सड़ के मर जाएगा चलेगा मेरे लिए, और ये गंदगी समाज से दूर रहे वही अच्छा है। और मैं समझ लूंगा मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है, समझे? कैसे भाई हैं आप? वो आपका भाई है भाई? कभी अपनी बहन के बारे में सोचा है? पूछा है उससे? क्या मतलब आपका? क्या मतलब क्या? मेरे भाई के संग जो रंगरलिया मना रही थी, घूम रही थी उसके संग, हैं? तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर लोगों को रेप केस में लपेट कर लूटने का धंधा शुरू किया। चुप! मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे चल। अरे देख बहुत मुंह फोड़ने वाले। अरे लगता है सारा खानदान ही गंदा है। अरे तुम लोगों का खानदान समझ लिया मैंने अच्छे तरीके से। मैं बताता हूँ तेरे भाई को रेप केस में कितने की सजा होती है। चल जा, क्या बता रहा है। चल देख तेरे भाई की हत्या करता हूँ। अरे मैं मान लूंगा मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है। चल जा, चल निकल जा। अरे चल देख लूंगा। बहुत देखे तेरे जैसे। इंस्पेक्टर साहब उसको ऐसी सजा दीजिए कि जिंदगी भर याद रखे। हम पर छोड़ दीजिए, हमें पता हमें क्या करना। बैठिए चल लिख रहे आराम से। सुनल देखिए ये बोल क्या रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी कैसे समझ में आएगा? मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये बोल नहीं सकती है। मैं कह रही हूँ ना रेप हुआ है, रेप। आप क्यों इसे पूछ पूछ कर परेशान कर रहे हैं? हाँ हाँ सुनल मैं वही बता रही हूँ। देखिए ना क्या हालत कर दिया इसकी, और आप क्या बैठे बोले ना कुछ। मैं बताता हूँ। हाँ, 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 आज इसका बर्थडे इंस्पेक्टर साहब, आज इसका बर्थडे। हम इसके बर्थडे के लिए केक लेके गए थे। हाँ, बताओ इनको। अरे बताना क्या है, इंस्पेक्टर साहब ने खुद देखा है। देखिए मैडम ये कानूनी कार्रवाई, ठीक है इंस्पेक्टर साहब कानूनी कार्रवाई आप कीजिए, लेकिन उसको रेप केस में ऐसी सजा दीजिए कि जिंदगी बच सकता। जरा बताइए यही वो लड़का
सर देखिए इसे क्या हो गया। सोनल 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 अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ और अपना ख्याल रखना ओके चलें। हाँ जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा। मसीहा मेरा तू मसीहा मेरा तू सही भाव मेरा तू वजीफा मेरा तू अकीदा मेरा। तू सीप में मोती भर दे सहरा को गुलिस्ता कर दे। तू सीप में मोती भर दे सहरा को गुलिस्ता कर दे। लोनिहार सजदे करूं मेरे सीने से खून फूटे। ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख। ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख। ऐ खुदा रोंदे रोंदे दिल के दीवारों तर न रोंदे कोई। गूंजे गूंजे आंसुओं की तड़प है गूंज रही सजदे बेकार न जाए। सूरज भी वापस आए रास्ता दरिया में बनाए कश्ती को पार लगाए। ऐ खुदा मोती भर दे सहरा को गुलिस्ता कर दे। तू सीप में मोती भर दे सहरा को गुलिस्ता कर दे। लैलो निहार सजदे करूं मेरे सीने से हुक उठे। ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख।
ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख। ऐ खुदा साले को, साला लड़की का रेप करके आया है। उठ, चलो उठ, उठ ले, चलो। साले चिकने, अब आए जी मिली थी तेरे को। सोनल,
मैं अभय से मिलकर आ रहा हूं। उसे रेप केस में 7 साल की सजा हो गई है। ये चिट्ठी भेजिए तुम्हारे लिए। तुम्हारे आंसू नहीं, गवाही चाहिए उसे वापस लाने के लिए। और उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा सोनल। क्यों फासले हैं दरमियां, जिंदगी लेती है इम्तिहान। फासले हैं दरमियां, जिंदगी लेती है इम्तिहान। कोई तो बात है जो तेरा साथ है, ये इत्तफाक है क्या कहे। रूबरू होने पे क्यों अजनबी ना लगे। ये जहां हाँ मेरे साथ है, तू है तो हर खुशी आस पास है। वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा हो गया यार, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। तेरे को मालूम है अभय आ गया। अभय, जब कुछ ना था तो खुदा था,
जब कुछ ना होगा तो खुदा होगा। मसीहा मेरा, मसीहा मेरा, तू सही भा मेरा, तू मसीहा मेरा, तू सही भा मेरा, तू वजीफा मेरा, तू अकीदा मेरा, तू सीप में मोती भर दे, सहरा को गुलिस्ता कर दे, तू सीप में मोती भर दे, सहरा को गुलिस्ता कर दे, लड़ोनी हार सजदे करूं मेरे सीने से हूँ ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम में खुद रख, ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम में खुद रख, ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम में ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख। तेरे नदीम तना न तेरे न तेरे न ना तेरे नदीम तना न तेरे न तेरे न ना तेरे नदीम तना न 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 दिल के दीवारों दर ना रोंदे कोई गूंजे गूंजे आंसुओं की तड़प है गूंज रही है गूंज रही सजदे बेकार न जाए सूरज भी वापस आए रास्ता दरिया में बनाए कश्ती को पार लगाए ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा गुलिस्ता कर दे तू सीप में मोती भर दे सहरा को गुलिस्ता कर दे लड़ोनी हार सजदे करूं मेरे सीने से खूटे ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख ऐ खुदा बंदे को अपने हर कदम महफूज रख ऐ खुदा Oh, 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 oh